एनसीबी मधुबन की टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक पानी के टैंकर में गांजा पत्ती नशीला पदार्थ दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर आ रहा है। सूचना मिलते ही एनसीबी की टीम के सदस्य एएसआई ब्रजेंद्र भंडारी, एसआई चंदेश्वर, हेड कांस्टेबल राजीव व हरप्रीत ने रेस्ट हाउस के सामने नाकेबंदी कर तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान ट्रैक्टर के पीछे पानी के टैंकर में 2 क्विंटल 30 किलो गांजा पत्ती प्लास्टिक की थैलियों में पैक की हुई थी और इसके आगे एक रैंकिंग करती हुई XX4 कार जिसमें 2 व्यक्ति, पुलिस ने उन्हें भी काबू कर लिया था। एएसआई बिजेंद्र भंडारी ने बताया कि एनसीबी मधुबन को गुप्त सूचना मिली थी कि पानी के टैंकर में नशीला पदार्थ गांजा पत्ती पानीपत से चंडीगढ़ की ओर आ रहा है। विश्राम गृह के पास नाकाबंदी के दौरान रेकी करती हुई पुलिस ने ट्रैक्टर टैंकर को काबू कर लिया जिसमें करीब 2 क्विंटल 30 किलो गांजा पत्ती बरामद की गई है। घरोंडा से न्यूज वन हरियाणा के लिए सुरेंद्र पांचाल की रिपोर्ट। एनसीबी हरियाणा की टीम है, हरियाणा में एनसीबी स्टाफ गठित किया गया है जिसके चीफ श्रीकांत जाधव जी एडीजीपी लगाए गए हैं, जो हरियाणा से इस समूचे नशीले पदार्थ को ख़त्म करने के लिए अभियान चलाया गया है। जो कल हमारी टीम ने यहाँ करनाल यूनिट की जो टीम है उन्होंने ये करीब 2 क्विंटल 30 किलो गांजा पत्ती बरामद की है जी, और इसमें 4 अपराधी को गिरफ्तार किया। सर किस चीज़ में लेके आ रहे थे ये? ट्रैक्टर और पानी का जो कंटेनर है ना पीछे जी, उसके अंदर लोड करके लेकर आ रहे थे। ये कितने की गांजा पत्ती हो सकती है सर? ये सर मार्केट वैल्यू लगभग इसकी 20 लाख के करीब होनी चाहिए जी। ये अपराधी अपने आप को बचने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं जी, उसी तरीके से ये अपना छुपा कर लेकर आ रहे थे। जैसे अब आप देख रहे हो पानी का टैंकर है जी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इसके अंदर क्या है जी। फिर भी हमारे तंत्र हैं, सोर्सेस हैं, उनका हम प्रयोग करके इन पे शिकंजा कस रहे हैं जी, और आपसे भी अपील करते हैं कि सभी को जागरूक करें, नशे से बचाए। जैसी भी खबर हो हमें दे, हम कार्रवाई करें।